अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। बिहार विधानसभा में हुए उपचुनाव में राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने बीजेपी को 36,676 मतों के भारी अंतर से हरा दिया है। मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान 36,676 मतों से जीत गए हैं। उन्हें कुल 82,547 मत प्राप्त हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी को 45,889 मत मिला है। वीआईपी की गीता देवी को 29,276 मत मिले हैं। बता दें कि एक तरफ जहां एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही मुकेश सहनी की पार्टी ने बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी ए टू जेड की राजनीति में कहीं न कहीं सफल नजर आ रही है। तेजस्वी यादव लगातार सभी जाति को साथ मिलाकर बिहार में एक नया समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं और बोचहा विधानसभा उपचुनाव में ये बात भी तेजस्वी यादव ने सही साबित कर दिया। राजद ने यहां स्वर्णों को साधने के लिए तमाम रणनीति बनाई और उसमें वह सफल रहे। कैंडिडेट तो दलित वर्ग के अमर पासवान को ही बनाया गया, लेकिन राजद के नेता व कार्यकर्ताओं स्वर्ण को साधने में लगातार मेहनत करते रहे, जिसका नतीजा अमर पासवान की जीत के रूप में सामने आया। अमर पासवान ने एक भारी अंतर से बीजेपी को हरा कर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ना कहीं अब लोगों को महंगाई अब खटकने लगी है। बता दें कि तेजस्वी यादव जिस तरह से 2020 के चुनाव के बाद नया समीकरण बनाने में जुटे हैं, उसकी बानगी आज मुजफ्फरपुर के बोचहा विधानसभा में ही नहीं बल्कि हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव में भी नजर आया था। बता दें कि इस बार हुए एमएलसी चुनाव में आरजेडी ने अपने 3 दशक की राजनीति में पहली बार भूमिहारों स्वर्ण को साथ लाने की कोशिश की। एमएलसी चुनाव में तेजस्वी यादव बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण भूमाए, भूमिहार, यादव और मुसलमान बनाया। एमएलसी चुनाव में 24 में राजद के 6 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें 3 भूमिहार जाति से हैं। इस जीत के साथ ही बिहार में राजद ने दिखा दिया है कि राजद अब बिहार में पहले से ज्यादा ताकतवर है और इसकी बानगी 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी।